हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की एक फेमस स्टार निशा गुरागैन के बारे में। निशा गुरागैन का जन्म 1 अक्टूबर 1997 में भारत के एक पड़ोसी देश नेपाल में हुआ था। निशा गुरागैन की लाइफ से इंस्पायर होने के लिए हमारी वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम निशा गुरागैन है और निकनेम निशा। आइए बात करते हैं इनकी फैमिली की। निशा अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहती हैं। निशा ने अपने 12th की पढ़ाई कॉमर्स से की है। इसके बाद निशा ने ग्रेजुएशन किया है। निशा अपने कॉलेज में सबसे टॉपर स्टूडेंट थी। इनकी फैमिली में इनकी दादी माँ और मम्मी पापा हैं। प्रोफेशन से ये टिकटॉक स्टार एंड मॉडल हैं। आइए बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। निशा ने ग्रेजुएशन के बाद मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। मॉडलिंग के साथ ही 2018 में टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू किया। इनके स्टार्टिंग में वीडियो पर अच्छे व्यूज नहीं आए, लेकिन ये लगातार वीडियो बनाती रहीं। इनका एक वीडियो 2019 में वायरल हो गया, वो निशा का लिपसिंग वीडियो था। निशा के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी। निशा के लाखों फैन बन गए। निशा आज टिकटॉक पर बहुत ही फेमस है। निशा के टिकटॉक पर 27 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं निशा के एल्बम सॉन्ग की। जट्टा बेजट्टा ना लड़िया कर, टिकटॉक व और भी कई सारे सॉन्ग में काम किया है। निशा को ट्रैवल करना, टिकटॉक पर वीडियो बनाना एंड डांस करना काफ़ी पसंद है। आइए बात करते हैं इनके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। इनकी हाइट 5 फीट 4 इंच है और बॉडी वेट 51 kg। निशा के फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर एंड शाहिद कपूर हैं और फेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण हैं। आइए बात करते हैं इनके फूड की। निशा को खाने में ज्यादातर वेजिटेरियन फूड पसंद है। इनका फेवरेट कलर पिंक और रेड है। दोस्तों, अब बात करते हैं निशा के रिलेशनशिप के बारे में। फिलहाल निशा सिंगल हैं, इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी ये अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी निशा गुरागैन की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। 18 की हो गई, बेटा संभल कर रहना। 25 की हो गई, अभी तक शादी नहीं की। 18 की हो गई, बेटा जरा संभल कर रहना। 25 की हो गई, बाप रे बाप, अभी तक शादी नहीं की। मेरे घर वालों से ज्यादा मेरी फिक्र करने वाले तुम होते कौन हो, मुझे जज करने वाले।